तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक हिडन टिप, हिडन सेटिंग या एक कमाल का हिडन टिप बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं उन ऐप्स के बारे में, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम की आने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कमाल का एक हिडन फीचर, हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मेरे साथ होता है, मैं बहुत सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ और बाद में यूज़ नहीं करता। आप देखेंगे मेरे मोबाइल में कितनी सारी ऐप्स पड़ी हैं, अधिकतर तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, कभी खोलता भी नहीं हूँ, बट तब भी पड़ी हुई है। तो उसी से रिलेटेड आज का ये फीचर या आज का टिप है। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स पर चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, नीचे की तरफ डिवाइस केयर वाले ऑप्शन में जाना है। देन वहाँ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, वहाँ जाना है आपको इस वाले ऑप्शन पे जो ये बना हुआ ना, आपको यहाँ पर रेड डॉट दिखा रहा होगा अगर आप पहली बार आप जा रहे होंगे। तो यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऐप इश्यूज़ करके एक मिलेगा, दिख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको मिल रहा है ऐप इश्यूज़ करके, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इशू इन लास्ट 30 डेज 8 इश्यूज़ फाइंड कर रहा है। अब जैसे ही मैं 8 इश्यूज़ में जा रहा हूँ तो क्या बता रहा है, आपने ये वाली जो ऐप्स हैं इनको कब से यूज़ नहीं करा, अनयूज्ड हैं और ये आपके इशू आ रही हैं। तो आप इनको या तो अनइंस्टॉल कर दो या तो उनको यूज़ करने लगो, नहीं तो सब यहाँ पर पुट टू डिलीट में चली जाएंगी और डीप में जाने के बाद आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपको इसको दोबारा से इंस्टॉल करना रहेगा। तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दो या फिर इसका यूज़ करना चालू कर दो। ये आपको दिख रही होंगी अनयूज्ड ऐप करके यहाँ पर आप दिख रही हैं। आप चाहे यहाँ से डिलीट मारना हो तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, आपको बाहर जाके उसको एक एक को डिलीट करना रहेगा, पर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर कुछ ऐप में इश्यूज़ होंगे, मान लो कोई आपने कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप डाल रखी है जिससे आपके मोबाइल कोई हार्म हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आपको बता देगा एक्सलेसिस अलर्ट, कुछ अलर्ट आ रहा होगा इश्यूज़, तो वो आपको यहाँ पर बता देगा। बट मेनली अनयूज्ड ऐप का जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आपको इन सबको ऑटो डीप में जा रही हैं, अगर इन सबको वहाँ से हटाना है पुट टू डीप वाले उसमें से, तो आपको यहाँ जाना है बैटरीज में वाले ऑप्शन पे, यहाँ जाना है आपको बैकग्राउंड यूजेज लिमिट पे, एंड देन यहाँ पर आपको सजेशन बता देगा कि डीप स्लीपिंग ऐप में 8 ऐप आ चुकी हैं, स्लीपिंग ऐप में 1 है ऑलरेडी, 7 है, और यहाँ पर 44 ऐप्स मेरी बता रहा है जिनको मैंने यूज़ नहीं करा हूँ। यहाँ पर ऑटो टिक कर रखा है पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लिप, जब भी मैं कोई ऐप को यूज़ नहीं करूँगा ऑटोमेटिक वो उसमें चली जाएंगी। आपको ये दिख रही होंगी कितनी सारी ऐप्स दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी ऐप्स यहाँ पर दिख रही है। या तो आपको किसी को बाहर करना हो या फिर मतलब नॉर्मल उसमें लाना हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ प्लस में क्लिक करना है, प्लस मतलब इन जहाँ पर जिसको ऐड करना है, और जिनको हटाना है उनको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जिन जिन ऐप को आपको हटाना है सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो हट जाएगा, और जिसको आप यूज़ कर पाएंगे बाद में बाहर आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, यहाँ पर उन ऐप को आ जाती हैं जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत टाइम से आपने यूज़ नहीं करी पर इंस्टॉल करके रखी हुई है, मेमोरीज खा रही है, बैटरी खा रही है, तो ऑटोमेटिक उसको ऑटो स्लीप में डाल देगा। ना आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी ना कुछ आएगा, आपको बार बार उसको एक बार लॉगिन करेंगे तो वो वापस नॉर्मल मोड पर आ जाएगी। तो ये आपको एक टिप मिलती है जिससे आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, ऐप आइसोलेटेड फॉर डीप स्लीप, दिस आर ऐप यू हैव नॉट यूज इन अ वाइल, टू सेव बैटरी दे विल बी पुट इन टू डीप स्लीप विच विल बी प्रिवेंट देम फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन ऑन रिसीविंग अपडेट मे कॉज देम नॉट बी वर्किंग करेक्टली। तो ये क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बैटरीज खाता है, नोटिफिकेशन आपके पास आती है, नोटिफिकेशन सेंड भी होती है, तो उस सबको बचाने के लिए डीप स्लीप में डाल देता है। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इतनी सारी आपके पास ऐप बता भी देगा, भाई इतनी सारी ऐप है जो लगता है डीप स्लीप में चली जाएंगी क्योंकि आपने इन ऐप को कभी यूज़ नहीं करा हुआ, तो आप इनको एक एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो आज की टिप यही थी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो। इतना सब कुछ कर ही लोगे तो वीडियो को शेयर करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मेरे चैनल में फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।